देखिए, मैं उनकी जो मिनिमम वेजेज की लड़ाई है, मिनिमम वेजेज की लड़ाई को बड़े तरीके से लड़ रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली में आज क्या है, दिल्ली और देश में, कि लोग दो दो तीन तीन हज़ार रुपये पे काम करने को मजबूर हैं। लोगों को जो मिनिमम वेजेज हैं वो मिनिमम वेजेज नहीं मिल रहा है, तो इसको लेकर के काफ़ी सारे काम कर रहे हैं, और इसको लेकर के एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी, और इसको लेकर अभी श्रमिक अधिकार यात्रा भी हम लोग निकालने जा रहे हैं बहुत जल्दी। देवेंद्र जी, एक बात बताइए, मोदी सरकार का नारा था डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया कहाँ तक देख रहे हैं आप, और आपको लगता है कि मजदूर डिजिटल इंडिया के पार्ट बन पाएंगे? नहीं नहीं, देखिए, डिजिटल इंडिया बिल्कुल पार्ट नहीं बन सकते, वो तो सिर्फ एक नारों की बात है, और मोदी सरकार वैसे भी सिर्फ नारों पे चलती है, उनकी अच्छी अच्छी नारों होनी चाहिए, वो नारे देते हैं, दस दिन बाद वो नारे भूल जाते हैं, उनकी सिर्फ नारों, और देश नारे से नहीं चलता है, देश काम करने से चलता है। देश के लिए आपको प्लानिंग करनी होती है, रणनीति बनानी होती है, और उसे बहुत ही प्लान वे में ज़मीन पे उतारनी होती है। मोदी सरकार ये पूरे चीज़ों में विफल है, वो सिर्फ नारे, अच्छी अच्छी लोकलुभावने नारे बनाती है और बस नारे पे ही सिमट के रह जाती है। ज़रूरत इस बात की है कि मोदी सरकार जो है नारे के साथ उसको प्लानिंग बढ़िया बनाए और उसको इम्प्लीमेंट करे। देवेंद्र जी, एक बात बताइए कि अभी 2019 के इलेक्शन बहुत नज़दीक हैं, आप मजदूर लोगों से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, भावनाओं से जुड़े हुए हैं, उनके घर घर जाके उनकी दर्दों को समझते हैं, उनकी भूमिकाओं को समझते हैं, तो क्या लगता है कि 2019 का इलेक्शन कौन सी पार्टी के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा? देखिए, प्रेजेंट में अगर मजदूर के दृष्टिकोण से देखें तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो मजदूर को लेकर के बहुत ही असंवेदनशील है। यानी हालत ये है कि देश में जो सीवरेज सफाई के दौरान जो मौत हो रही है उसको लेकर के भी असंवेदनशील है।